92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साधारण और असाधारण में अंतर सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा मेहनत का है, मतलब मेहनत किए बगैर आप किसी पद को प्राप्त नहीं हो सकते, और जो मेहनत करता है उसके सामने उसका लक्ष्य खड़ा हो जाता है आके। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की आपको देती हूँ मंगल बधाइयाँ। आज 2/12/2016 शुक्रवार है, चंद्र धनु राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा अहोरात्र, शुक्र मकर में प्रवेश कर जाएंगे शाम 6:41 पर, सूर्य ज्येष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे शाम 5:51 तक। आज के मुहूर्त लाभ है 8:20 से लेकर 9:43 तक, अमृत है 9:43 से लेकर 11:06 तक, और शुभ है 12:30 से लेकर 1:53 तक। कोई भी किसी को उसकी खुद की आज्ञा के बिना दुखी नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं दुखी होना चाहती हूँ तो मैं दुखी हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ना चाहूँ कि मैं दुखी होना नहीं चाहती तो कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर हाल में ईश्वर की शरणागति में हूँ। मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य लेकर आई आपके लिए मेष राशि। मेष राशि के लिए धन में आ गए चंद्रमा बुध के साथ, लेकिन गुरु के घर में चंद्रमा इसलिए भाग्योदयकारी दिन, और व्यवसाय से रिलेटेड आपकी सोच पनपेगी। आप सोचेंगे अपने माँ की तबीयत के बारे में, वाहन के बारे में, आप सोचेंगे सुखों के बारे में, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज आपका विचार चलेगा कि आपको प्रवास पे जाना है, अपने छोटे भाई बहनों के विषय में, काम के विषय में सोचेंगे, लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं होने वाली, क्योंकि चंद्रमा जाके अष्टम में बैठ गए और आप थोड़े से बेचैन हो जाएंगे। तो स्थिति को निपटने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है महालक्ष्मी की पूजा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज जो है चंद्रमा इनके द्वितीय में आकर इनको पैसा दिलवाते हैं, इनको परिवार से रिलेटेड सुख दिलाते हैं, वाणी ओज में रहती है इनके, और धन लाभ भी होता है। तो आज का दिन मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा घोषित करती हूँ मैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए चंद्रमा जो है लग्न में आकर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, और आपके खुद के विषय में पर्सनालिटी से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होते दिखते हैं मुझे। वैसे भी सन्मुख आपके पति हैं, सन्मुख आपके स्पाउस हैं या पार्टनर हैं, तो वो भी सॉर्टेड नजर आते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए द्वादश में चंद्रमा आपका खर्चा करवाते हैं, आपको विदेश से रिलेटेड जो यात्रा है उस पर ज़्यादा सोच पड़ जाती है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए नहीं हो रहा। तो आप फिलहाल जो है कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपकी तबीयत अच्छी रहे और आप सूर्य पूजा करें। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज जो है चंद्रमा लाभ में आकर आपको पैसे से रिलेटेड व्यवहार से सॉर्टेड करते हैं, आपके सन्मुख जो आपके बच्चे हैं वो भी खुश रहते हैं, आपको अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड एडमिशन चाहिए, कोई ऐसी बात है जो बच्चों के लिए आपको पढ़ाई के लिए करनी है, तो वो भी सॉर्टेड हो जाती है आज के दिन। ये था मेष से लेकर कन्या राशि तक का भविष्य। आज के दिन में मिथुन और कर्क राशि सबसे ज़्यादा खुशियाँ पाने वाली राशि घोषित होती है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। क्या बात है, मतलब अगर आप किसी बड़ी परेशानी से जूझेंगे नहीं तो आप अपनी ताकत को कैसे पहचान पाएंगे कि आपने कितना बड़ा काम कर दिखाया। अब हम सुनेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। तुला राशि। तुला राशि के लिए कर्क में चंद्रमा आपके लिए लाते हैं विदेश से रिलेटेड काफी पैसा और साथ में काम भी, आपको पिता से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके लिए आज का दिन जो है अति उत्तम जाएगा, लेकिन आपका अर्धकाल सर्प योग भी बनता है, उस वजह से आप बोल सकते हैं कि काम तो मैंने किया लेकिन आधा काम किया और आधा काम नहीं बना,
कोई बात नहीं, जितना मिला है उसमें संतोष कीजिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भाग्यवर्धक दिन है और भाग्यवर्धक दिन होने के कारण इनको काफी राहत मिलती है कि इनके कोई काम की आहट आई है, इनके पास में इनके बड़े भाई बहन अगर हैं तो इनको सपोर्ट करते हैं, और ये प्रवास पर भी अगर निकलते हैं तो इनका काम हो जाता है। धनुराशि। धनुराशि के लिए आज अष्टम में आ गए चंद्रमा, थोड़े बेचैन रहेंगे आप, और मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अभी ये बेचैनी को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना है। आप अपने परिवार से जो सलाह लेंगे वो आपको काम आ जाएगी, और अपनी वाणी को कोमल रखेंगे तो आपको वो भी सपोर्ट करेंगे, तो ये करके देखिए आपका आज का दिन सॉर्टेड रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा सप्तम में आकर आपको बनाते हैं अपने स्पाउस से रिलेटेड, अपनी पत्नी से रिलेटेड थोड़ा सजग, और वो आपको बिजनेस में भी बढ़ोतरी के लिए नए नए आयाम बताते हैं। सन्मुख चंद्रमा होने के कारण आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आप सुंदर बने रहते हैं, और आपके भागीदारी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड काम सारे बनते नजर आते हैं मुझे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा षष्ठ में आकर आपको थोड़ा सा बेचैन करते हैं रोग ऋण शत्रुओं से, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं देते क्योंकि वो अपने ही घर में आए हुए हैं, तो वो लोग आपसे मृदुभाषी रहते हैं, आपके शत्रु आपसे थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करते। इसके साथ आपके द्वादश भाव में जो चंद्रमा की दृष्टि है उसकी वजह से आपके फौरन से रिलेटेड कोई काम बनने हो या प्रेमी मिलन का कोई संयोग हो तो वो बन जाता है। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपका दिमाग रहता है आज कूल, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा पैसे आते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, कोर्ट कचहरी के काम आपके बनते हैं। जब मैं किसी को ये कहते हुए सुनती हूँ कि जीवन बहुत कठिन है, मैं हमेशा ये पूछने को उत्सुक रहती हूँ कि जीवन की तुलना किससे की आपने, क्या आपके पास उसका कोई स्पष्टीकरण है, क्या आप किसी चीज़ को ऐसा मानते हैं कि ये जाने के लिए नहीं आई, या ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की देती हूँ आपको बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाएं, आपको बधाइयां, बधाइयां जी, बधाइयां। कैसे हैं आप लोग सब? बात करेंगे आज हम एक फल की जो कि आपके जीवन में लाता है शक्ति और ताकत, और देखने में बड़ा छोटा सा काला हो जाता है वो जब उसको भून देते हैं या उसको गर्म कर देते हैं, लेकिन देखने में वो पहले रहता है हरा और अंदर से सफेद, पहचान लिया आपने, वो है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा सीजनल फ्रूट है, वो बार बार नहीं आता, लेकिन कई लोग जब इसे खाते हैं तो बड़े शौक से खाया जाता है। वो मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए सिंघाड़े का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। कहा जाता है कि दस्त होने पर भी सिंघाड़े का सेवन रामबाण उपाय है। मैं आपसे एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी उपाय हम बताते हैं वो एक जेनरिक व्यू होता है ऑल ओवर, और अगर किसी को स्पेसिफिकली कोई बीमारी होती है तो उसके लिए उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई चीज़ खानी चाहिए। सिंघाड़े के विषय में बता रही थी मैं, और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा भी देता है क्योंकि वो बुध और चंद्रमा से रिलेट कर रहा था, ऊपर से दिखने वाला हरा, अंदर से दिखने वाला सफ़ेद, और सिक जाने पर हो जाने वाला काला, तो बुध शनि चंद्रमा तीनों का द्योतक। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। माँ लक्ष्मी के बगैर सारे काम अधूरे हो जाते हैं। हर इंसान को रोज सुबह उठने पर आधी से ज़्यादा यही चिंता होती है कि कैसे धन लक्ष्मी आए और उसके जीवन में बाहर आए। एक बार प्रार्थना करके देखते हैं माँ से, और प्रार्थना तो रोज ही करनी चाहिए और धन लक्ष्मी की तो जरूर करनी चाहिए। चलिए धन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं।